रक्षाबंधन सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार भाई और बहन के रिश्ते का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे आमतौर पर भाई बहनों का पर्व ही मानते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों एवं लोक परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व अलग अलग रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के प्यार को और भी मजबूत बनाता है। वैसे इस पर्व का संबंध रक्षा से है। रक्षा का मतलब है सुरक्षा और बंधन का मतलब है बाध्य। ये आवश्यक नहीं है कि केवल अपने भाइयों को ही रक्षा सूत्र बांधा जाए, बल्कि जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र के विषय में युधिष्ठिर से ये कहा था कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है, इसलिए आप रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाइए। इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। इन सब के अलावा रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व भी है। भाई बहनों के अलावा पुरोहित भी अपने यजमान को राखी बांधते हैं और यजमान अपने पुरोहित को। इस प्रकार राखी बांधकर दोनों एक दूसरे के कल्याण एवं उन्नति की कामना करते हैं। प्रकृति भी जीवन की रक्षक है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन कई स्थानों पर वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन की शुरुआत भगवान को रक्षा सूत्र बांधकर की जाती है, क्योंकि हमारे प्रथम रक्षक तो भगवान ही हैं। उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी आपकी रक्षा कर ही नहीं सकता। रक्षाबंधन का ये त्योहार कब प्रारंभ हुआ इसके विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। इससे सूत्र की शक्ति से देवराज युद्ध में विजयी हुए। शिशुपाल के वध के समय भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। उस दिन सावन की पूर्णिमा थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाया भी। इसके बाद राजपूत रानी कर्मावती की कहानी काफी प्रचलित हुई। राजपूत रानी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने राजपूत रानी को बहन मानकर उनकी राखी की लाज रखी और उनके राज्य को शत्रुओं से बचाया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी थी। इन सब के अलावा भी ऐसी ही अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले बहनें स्नान करके भगवान की पूजा करती हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम एवं दीप जलाकर थाल को सजाया जाता है। इस थाल में रंग बिरंगी राखियों को रखकर उसकी पूजा करते हैं और फिर भगवान को सबसे पहले राखी बांधते हैं। फिर बहनें अपने भाइयों के माथे पर कुमकुम और अक्षत से तिलक करती हैं। इसके बाद भाई की दाई कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी को बांधा जाता है और मिठाई से
भाई का मुंह मीठा कराया जाता है। राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा के वचन के साथ कुछ उपहार भी देता है। बहनें राखी बांधते समय अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन बहनों के हाथ से राखी बंधवाने से भूत प्रेत एवं अन्य बाधाओं से भाई की रक्षा होती है। जिन लोगों की बहनें नहीं होती, वो अगर इस दिन किसी को अपनी मुंहबोली बहन बनवाकर राखी बंधवाएं, तो भी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।